सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं। फिर हमने ये स्टार्ट किया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, और उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए अगर हम बातें करते हैं तो हम लोगों ने यहां पे देखा था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज हुच आर डिपेंडेंट ऑन द मास आर वॉल्यूम शेप एंड साइज। जो मास पे डिपेंड करें वो सब की सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। जो इनडिपेंडेंट ऑफ द मास हो जाएं और जो इनडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज हो जाएं वो सब की सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। उनको क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। तो यहां पे जो दिख रहा है, यहां पे ये सारी प्रॉपर्टी हमने कहा इंटेंसिव है क्योंकि शेप और साइज और मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, बट ये वाली प्रॉपर्टी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि शेप साइज और मास पे डिपेंड कर जाती हैं। ये बातें हमने किया था। अगर इसके आगे की बात देखें तो इसीलिए हमने यहां पे क्लासिफाई कर दिया कि प्रॉपर्टीज ऑन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज और मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द साइज और मास, डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज आर मास। जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है, यानी साइज पे डिपेंड, जैसे मास, एनर्जी, एनर्जी वॉल्यूम, ये सब की सब मास पे डिपेंड करती हैं, सबके सब शेप और साइज पे डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो, प्रेशर चाहे प्रेशर किसी भी यूनिट में हो वो शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। डेंसिटी, डेंसिटी विस्कसिटी, आप विस्कसिटी का नाम सुने? विस्कसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती है। मास क्या होगा दैट इज द डिफरेंट थिंग, साइज क्या होगा दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट विस्कासिटी होती है तो अलग अलग फ्लूड की अलग अलग पाई जाती है। किसी फ्लूड की विस्कासिटी कम होती है, किसी फ्लूड की विस्कासिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसको कहा जाता है विस्कस प्रॉपर्टी, और वो इंटेंसिव होती है, वो मास या शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है, नहीं करती है, याद रखिएगा इस चीज को। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ तीन चार इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बताए थे ऊपर कि प्रॉपर्टीज के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहां बात करते हैं, यहां बात करते हैं तो देखिए, यहां पे मैंने कहा था शेप और साइज पर जो डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर, इन्हीं को कुमुलेटिव कहा जाता है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कुमुलेटिव भी होती है, यानी सबका सम भी कह सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यूमुलेटिव नहीं हो सकती है, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आपको सबको जोड़ के निकालना पड़ेगा, बट इंटेंसिव सब इक्वल होंगी, हर एक पार्ट की अलग अलग नहीं होती है, ये मैंने आपको बताया। आगे देखिए, अगर आप बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कभी आप देखिए अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं तो उनका रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आएगा। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आएगी। एम बाई वी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, दोनों का रेशियो हमेशा क्या कहलाएगा, हमेशा क्या कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। बात करते हैं तो ये आपका दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा, हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगा, यानी द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
याद कर लीजिए ये पॉइंट, आप कभी भूलना नहीं चाहिए इस पॉइंट को, इससे कई क्वेश्चन बनेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पहले तो ये पहचानिए एक्सटेंसिव है कि नहीं, शेप और साइज यानी मास पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, अगर करती है तो एक्सटेंसिव है, उन दोनों का रेशियो हमेशा इंटेंसिव आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा, जैसे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज द डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड पॉइंट, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट मास, स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट मास, अगर टोटल है तो एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर पर यूनिट मास आप निकाल दीजिए, पर केजी निकाल दीजिए, तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो याद रखिएगा आगे से, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं वो सबके सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। जैसे अगर आप टोटल एनर्जी की बात करते हैं टोटल एनर्जी जो होती है वो किलो जूल में है, लेकिन अगर कहीं कहीं आप देखते हैं एनर्जी इन किलो जूल पर केजी, अगर ये लिख दिया गया, इसका मतलब एनर्जी को हमने मास से डिवाइड कर दिया, जब एनर्जी को मास से डिवाइड कर दिया तो दैट इज द स्पेसिफिक एनर्जी, इसी को स्पेसिफिक एनर्जी कहेंगे। सिमिलरली अगर आपको कैपिटल सिंबल दिखें, कैपिटल लेटर में, जैसे कैपिटल ई है, इसका मतलब ये टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, अगर स्मॉल ई दिखे इसका मतलब ये एनर्जी पर यूनिट मास की बात कर रहा है, यहां टोटल एंथैल्पी की बात कर रहा है, यहां पर यूनिट मास एंथैल्पी की बात कर रहा है। टोटल एंथैल्पी यानी पूरे मास की, जितना भी क्वांटिटी है, जितना भी मैटर है, अगर उसी को मास से डिवाइड कर दीजिए, यानी कैपिटल एच डिवाइडेड बाई एम, तो ये सिंबल आपको स्मॉल एच में दिखाई पड़ेगा, और इसको कहते हैं, यानी ये हो गया स्पेसिफिक एंथैल्पी। ये क्या हो गया? स्पेसिफिक एंथैल्पी। आगे आएगा एंथैल्पी क्या है, मैं बताऊंगा डिटेल में। स्पेसिफिक एंथैल्पी, टोटल एनर्जी U, पर यूनिट मास की अगर बात करेंगे तो U बाई एम होगा, तो स्मॉल U होएगा, कैपिटल U नहीं आएगा। सिमिलरली टोटल एंट्रोपी, कैपिटल S, अगर वही स्मॉल S हो जाए तो इसका मतलब स्पेसिफिक एंट्रोपी। सिमिलरली टोटल वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मास, और इसीलिए आप कहते हैं कि डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसी का उल्टा ही तो डेंसिटी है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप मास से डिवाइड कर देते हो, स्पेसिफिक की बात कर देते हो, तो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी हैं, वो सब की सब क्या कहलाएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी, यानी इंडिपेंडेंट। पर यूनिट मास का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द मास हो गई, जब इंडिपेंडेंट ऑफ द मास हो गई, इसका मतलब वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए यहां पे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, लेकिन अगर दो इंटेंसिव का रेशियो कोई कह दे तो वो भी हमेशा इंटेंसिव ही होगा। अब ऐसा मत कर देना कि दो इंटेंसिव का रेशियो एक्सटेंसिव कह दो, नहीं, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होगा, दूसरा ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव, अगर वो एंथैल्पी कहता है तो एक्सटेंसिव है,
अगर स्पेसिफिक एंथैल्पी कहता है तो इंटेंसिव है, अगर वो टोटल वॉल्यूम कहता है तो एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहता है तो इंटेंसिव है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहता है तो इंटेंसिव है, ठीक है। अगर टोटल एंट्रोपी कहता है तो एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक एंट्रोपी कहे तो इंटेंसिव है। तो याद रखिएगा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, एक्सटेंसिव जो मास मास के साथ हो, इंटेंसिव जो पर यूनिट मास की बात करे यानी स्पेसिफिक की बात करे, वो सब की सब क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं भाई, एक एक चीज क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ सब कुछ। जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे, अगर आज ये पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, ये चैप्टर अगर आज लगभग हो जाता है, तो कल इसके क्वेश्चंस देखेंगे। जो पॉइंट मैंने बताए हैं उन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और इसको देख लीजिए, आप देखिएगा कि जो भी आपके सीट में क्वेश्चन है आप खुद सारे क्वेश्चन कर लोगे, मेरी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार करके देखने की कोशिश करना, मैं तो कराऊंगा ही, मेरा काम कराना है, बट मैं चाहता हूं कि पढ़ाने के बाद आपसे 80-90% क्वेश्चन आप खुद कर ले जाओ, तब तो मेरे पढ़ाने का फायदा है, आपके पढ़ने का फायदा है, अदरवाइज ना तो मेरे कुछ पढ़ाने का फायदा है ना आपको पढ़ने का फायदा है। मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, इसका मतलब है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझा नहीं पा रहा, मैं आपको पॉइंट नहीं बता पा रहा हूं जहां से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई मेरा ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें से क्वेश्चन सॉल्व ना हो, मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। उस चीज को आइडेंटिफाई करना है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। हमारा मेन मोटो है, हमारा मेन मोटो है कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। हमें रिसर्चर नहीं बनना है, हम आपको रिसर्चर नहीं बनाने आए हैं, हम आपको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, यानी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्व होना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए, आपको रिसर्चर नहीं बनना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये पढ़ाने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ईच स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया आपको, अभी बताया आपको ये पॉइंट। यहां से देखिए एक्सटेंसिव लिखा है, टोटल प्रॉपर्टी ये लाइन से है, और यहां पर स्पेसिफिक है, यानी ये सब इंटेंसिव में चेंज हो गई। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको बताया कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तीसरा, अभी जो जिसका कोई मतलब नहीं है, बट यहां पर इसलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए किसी के मन में कि दो इंटेंसिव का रेशियो को क्या होगा, तो इंटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गई चीजें, इतनी चीजें समझ में आ गई सबको, ओके, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इनको आपको देखना है, समझना है, ये आपको लिए मैं देता हूं। इनमें से अब आप देखिए और बताइएगा मुझको कि कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहां पे आपको डिस्कस कर दूंगा कि इसमें से ये इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, ये आपके लिए काम है। मेरे पढ़ाने के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि यस, ये इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, ये इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एंथैल्पी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या है, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, अब ये सब तो वही हो गया, आपको सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, बाकी कोई मतलब नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंट्रोपी, ये सब आपको निकालना है। अब आप ये देखिएगा, बताइएगा मुझको कि कौन सी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है, ठीक है। इन सब में जाने से पहले, इन सब में जाने से पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने स्टेट की बात किया, अभी हमने स्टेट की बात किया, और स्टेट में हमने देखा, स्टेट में हमने देखा कि
किस तरीके से स्टेट पे था, प्रॉपर्टी क्या थी। हमने कहा था कि अगर मेरे पास ये सिस्टम है, मेरे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम में ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, स्टेट वन पे है, यहाँ का कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ प्रेशर है, यहाँ दिस इज द प्रेशर है, दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। यानी स्टेट वन पे है, इसका मतलब इसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी, कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी प्रेशर की पी वन एंड वॉल्यूम की वी वन, कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी, कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी, उसी को स्टेट और कंडीशन कहा जाता है। मतलब किसी की स्टेट को पाना है, किसी की कंडीशन को पाना है, तो उसको उसकी प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो हाँ बता दो, हम बता देंगे कि ये कहां पे एग्जिस्ट करेगा, किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, उसको स्टेट या उसको स्टेट कहा जाता है या कंडीशन कहा जाता है, और स्टेट और कंडीशन को उसकी प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है वन से टू में। जैसे यहां पर यह स्टेट वन पे था, यह स्टेट वन पे है, ठीक है, पंपिंग करने जा रहे हैं, स्टेट वन पे है। आफ्टर पंपिंग, जैसे ही पंपिंग किए तो इसका पहले देखिए मास दोनों में सेम है, मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब हमने पंपिंग किया तो पहले पंपिंग से पहले प्रेशर 1.5 बार था, पंपिंग से पहले 1.5 बार था, पंपिंग के बाद वॉल्यूम 2.5 मीटर क्यूब हो गया। यहां पर देखिए पंपिंग के पहले प्रेशर 1.5 बार है, वॉल्यूम 2.5 मीटर क्यूब है। हमने इसके पिस्टन को दबाया, मास जितना है उतना ही है, मतलब कंट्रोल मास हो गया, मतलब ये क्लोज सिस्टम है, मास में कोई चेंज नहीं हुआ, ये क्लोज सिस्टम है, मास में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब पंप किए तो प्रेशर P1 से बढ़ करके P2 हो गया, जिसकी वैल्यू 3 बार हो गई। वॉल्यूम 2.5 से घट करके 1.5 मीटर क्यूब हो गई। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसका मतलब यहां पे ये स्टेट वन पे था, जब इसको हमने पंपिंग किया तो प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, स्टेट टू पे आ गया। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ये पहुंच गया। इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स एंड वाइस वर्सा, इसको बोला जाता है चेंज ऑफ स्टेट एंड वाइस वर्सा। अब जब आप चेंज ऑफ स्टेट बात किए, ये जो चेंज ऑफ स्टेट हुआ 1 to 2, इसके बीच में नंबर ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स होंगी। भाई यहां से यहां गया तो पहले कुछ यहां भी आया होगा, यहां आया होगा, यहां आया होगा, यहां आया होगा, यानी द सक्सेसिव नंबर ऑफ चेंज ऑफ स्टेट होगी। जो सक्सेसिव नंबर ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, यानी चेंज ऑफ स्टेट करते समय सक्सेसिव होंगी, उनके पाथ को मिला दिया जाए, उनको कहा जाता है पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। उसको क्या कहा जाता है? पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, इसको पाथ कह दिया जाता है, जिस रास्ते से चलता है। आप जब घर से चले थे सलोरी से करियर कोचिंग तक आए, तो जिस रास्ते को फॉलो करते हुए आए उसको नंबर ऑफ, भाई आपकी प्रॉपर्टी बालसन में कुछ और थी, यहां कुछ और है, वहां कुछ और है, मतलब पूरे रास्ते नंबर ऑफ स्टेट्स बनी, उन सब को एक साथ मिला दिया जाए, उसको पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट कहा जाता है। दैट इज द पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स। अगर यही पाथ कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो जाए, स्पेसिफाइड का मतलब, अब मैं ये कह दूं आप अपने घर से चले थे तो कैसे चले, बाइक से चले, पर्टिकुलर स्पीड से आए यहां तक, आप दूसरा आप अपने घर से चले, साइकिल से चले, जब यह पता चल जाए कि कैसे आए, तो उसे उसी पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट को प्रोसेस कह दिया जाता है। उसी पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट को क्या कह दिया जाता है? प्रोसेस कह दिया जाता है। When path is completely specified, then it is known as process. It is known as process. अगर वो completely specified हो जाए, एकदम fix बता दे कि bike से आए हो
ऑटो से आए हो, साइकिल से आए हो, तो यह बता दिया गया कि यस मैं यहां ऐसे पहुंचा। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, तो सामने वाला यह कह सकता है कि भाई जब आप यहां से यहां तक आए वन से टू पे, तो आपका प्रोसेस क्या था, इस पाथ को जब फॉलो किया तो कांस्टेंट प्रेशर से चले थे कि कांस्टेंट वॉल्यूम से चले थे, कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था, आप एडियाबैटिक को फॉलो किए थे कि पॉलीट्रॉपिक को फॉलो किए थे। तो जब यह बता दिया जाए कि मैं तो इस प्रोसेस से यहां तक पहुंचा, तो उसको मैं इस तरीके से यहां पहुंचा, तो उसी पाथ ऑफ स्टेट को क्या कह दिया जाता है, प्रोसेस कह दिया जाता है। व्हेन द पाथ इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड, व्हेन द पाथ इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड, द चेंज ऑफ स्टेट, द चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। तो चेंज ऑफ स्टेट है, जो चेंज ऑफ स्टेट है उसी को क्या कह दिया जाता है, प्रोसेस कह दिया जाता है। अगर यहां से वहां तक सक्सेसिव जिस पाथ को जिसको फॉलो करेगा उसको पाथ कहेंगे, पाथ कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो जाए, ये बता दे कि कौन किस तरीके से आ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम से चल रहा है, कांस्टेंट प्रोसेस से चल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर से चल रहा है, तो हम उसको प्रोसेस कह देते हैं। पूरे पांच तरीके के प्रोसेस हैं आपकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स में, पांचों को हम अलग अलग देखेंगे अभी जब वर्क में आएंगे। पांच कौन कौन से हो सकते हैं, जो आपके थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी जो आपके प्रॉपर्टी हैं जिनको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो वॉल्यूम हो गया, तो कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पहला, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दूसरा, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस तीसरा, एक में हीट का ट्रांसफर ना हो यानी एडियाबैटिक प्रोसेस चौथा, और पांचवा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इन्हीं पांच प्रोसेस में पूरी थर्मोडायनेमिक्स की कहानी है। इन्हीं पांच प्रोसेस से जितने साइकिल पढ़ते हैं, जितने भी साइकिल, अब वो साइकिल चाहे आप थर्मो में पढ़ेंगे, आईसी इंजन में पढ़ेंगे, आरएसी में पढ़ेंगे, अप्लाइड थर्मो में पढ़ेंगे, यही पांच प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता भैया, इसके अलावा कुछ नहीं होता, यही पांच प्रोसेस लेके सारे साइकिल ड्रा कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पांच प्रोसेस कैसे खींच दो कि आपको कोई साइकिल रटना नहीं पड़ेगा, आप साइकिल अपने आप बना लोगे। हां, इतना पता होना चाहिए कि इस साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। अभी आएगा आगे साइकिल क्या होता है, मैं बताऊंगा, जस्ट इस साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं यह आपको पता होना चाहिए। अब अगर यह पता होना चाहिए तो वो प्रोसेस पता चल गए, आपको पता है पीवी और टीएस डायग्राम में कैसे लाइन खींची जाएंगी, आप तुरंत साइकिल ड्रा कर दोगे, किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको मैं बता दूंगा कैसी कैसी लाइन ड्रा करनी है, आप तुरंत ड्रा कर लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ना साइकिल रटने। अगर आपने साइकिल रटा तो कभी भी आप साइकिल, याद रखिएगा, अगर आपने साइकिल रटने की कोशिश किया कि ऐसे लाइन जाएगी ऐसे लाइन जाएगी, तो कभी साइकिल रट नहीं पाएंगे, हमेशा कंफ्यूज होंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस इज द स्टेट, जब मैंने कहा एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पर सक्सेसिव नंबर ऑफ स्टेट को जिस जो फॉलो करता उसी को पाथ कहते हैं, और जब यह पाथ कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो जाए उसको प्रोसेस कह दिया जाता है, उसको प्रोसेस कह दिया जाता है। देखिए, कंप्लीटली स्पेसिफाइड विथ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चलेगा ऑफ ए पाथ इज कॉल्ड प्रोसेस, ऑफ ए पाथ इज कॉल्ड प्रोसेस। जब वो पाथ कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो जाए, किस कौन सा प्रोसेस होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तब उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। जैसे ये देखिए पीवी डायग्राम है, अब ये इधर से इधर जाएगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, यहां से वन से टू आ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है, कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा ये, ठीक है।
तो अगर ये सब बताने में है तो हम कहते हैं 1:2 मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एक्सपेंशन कहेंगे। ठीक है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ने का मतलब एक्सपेंड हो रहा है, कंप्रेशन का मतलब कम हो रहा है। जब कम हो रहा है, देखिए अगर कंप्रेस करोगे तो कम होगा, एक्सपेंड करोगे तो बढ़ेगा, अगर ये आपको पता चल जाए तो उसी को प्रोसेस कहा जाता है। मैं आपको ये बता चुका हूं, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पे ये आए 5 प्रोसेस हैं, मैंने कहा 5 ये 5 प्रोसेस मैं डिटेल से जब वर्क ट्रांसफर की बात करूंगा तो वहां बताऊंगा, बट यहां देख लीजिए कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है उस समय हम किस प्रोसेस को लेते हैं। 5 प्रोसेस हैं, देखिए यहां पे एक प्रोसेस ये है, दूसरा प्रोसेस ये है, तीसरा प्रोसेस ये है, इसको तो बाद में यहां दिखाया गया है बट हम अलग तरीके से इसको दिखाएंगे दोनों को। देखिए आप, मैंने कहा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका नाम है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और उसी को कह दिया गया आइसोबेरिक प्रोसेस, और आगे आएगा फिर बताऊंगा इसको, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, कहने का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ये सब नाम हो गए। कांस्टेंट टेम्परेचर, टी को कांस्टेंट रखा जाए, कैसे लाइन आएंगी मैं आगे बताऊंगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा। ठीक है, कांस्टेंट एंट्रोपी है तो उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहा जाता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वो होता है जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है। एक्चुअली हम प्रोसेस एडियाबैटिक बात करेंगे, इसकी जगह हम प्रोसेस एडियाबैटिक की बात करेंगे। एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफर जीरो, एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफर जीरो, PV to the power gamma is equal to constant। ठीक है, तो इसलिए उसको एडियाबैटिक कहेंगे। एडियाबैटिक का मतलब नो हीट ट्रांसफर, यानी क्यू जीरो। अगर वही रिवर्सिबल होगा तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कहेंगे, तो जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा उसी को आइसेंट्रोपिक कहेंगे। तो ये बेसिकली एडियाबैटिक की बात करते हैं। और यह एंथैल्पी जिसमें कांस्टेंट होती है उसका नाम आइसेंथैल्पिक होता है, और थ्रॉटलिंग होती है। बट एक और प्रोसेस होता है जिसको पॉलीट्रॉपिक कहते हैं। अब पॉलीट्रॉपिक का क्या मतलब है, इसको फिर मैं डिटेल से जब वर्क ट्रांसफर में आऊंगा तो सब एक एक चीज बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, पॉलीट्रॉपिक क्यों कहते हैं, क्या होता है, वो हम लोग बातें करेंगे आगे। ठीक है, अगर आप गैस की प्रॉपर्टी पढ़े तो ये चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, ये सब चीजें, यानी कि वैल्यू, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, देखिए वहां लिखा ना पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, तो इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, क्या होता है ये, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे सारे प्रोसेस के, कौन कौन से प्रोसेस की बात करेंगे, कैसे बातें करेंगे। ठीक है, ये देखिए प्रोसेस, अगर आप हीट का ट्रांसफर नहीं करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। एडियाबैटिक की बात करते हैं, उसमें इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हीट वर्क ट्रांसफर नहीं होता तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता, डेल डब्ल्यू, देखिए यहां डेल लिखा, डी क्यू नहीं लिखा, डेल डब्ल्यू लिखा, मैं ये भी आपको आगे बताऊंगा क्यों ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बात करते हो, एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, इसके टर्म से ही पता है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब हुआ
क्वसी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, क्वसी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। क्वसी स्टैटिक का मतलब होता है ऑलमोस्ट और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी ऐसा प्रोसेस जो कि ऑलमोस्ट रेस्ट पे हो, जो कि ऑलमोस्ट रेस्ट पे हो उसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ने से पहले कुछ टर्म बता देता हूं। क्वासी स्टैटिक का मतलब हुआ ऑलमोस्ट और स्टैटिक का मतलब हुआ रेस्ट, ऑलमोस्ट रेस्ट। अब अगर उसको प्रोसेस कराना है, जैसे देखिए यहां पर ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में यहां पे पिस्टन है, चलिए यहां पे दिखा देता हूं। देखिए आप ये देखिए, अगर आप यहां देखें तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में ये स्टेट वन पे है, दिस इज ए स्टेट वन, दिस इज ए स्टेट वन और ये स्टेट टू है, ये पिस्टन है, इस पिस्टन पे यहां पे मास कुछ वेट रखा हुआ है डब्ल्यू, वेट रखा हुआ है डब्ल्यू, यहां का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अब हमने क्या किया कि जब इसको यहां से स्टेट वन आइडेंटिफाई कर लिया, वेट रखा हुआ है, रुका हुआ है, यहां से इस वेट को हमने हटा लिया, रिमूव कर दिया, ये अंदर जो गैस भरी है ये गैस इस पे प्रेशर लगाएगी, पिस्टन मूव करेगा और पिस्टन जाके यहां पे पहुंच जाएगा, यानी पिस्टन यहां पहुंच गया, ये स्टॉपर्स है, पिस्टन यहां पहुंचा और यहां जाके रुक गया, यानी ये स्टेट वन से स्टेट टू पे पहुंचा। जब यहां पे था तो प्रेशर इसका P1 था, वॉल्यूम इसका V1 था, टेम्परेचर कुछ T1 था। जैसे ही मैंने पूरा वेट हटाया, ये सिस्टम ये वेट यहां से यहां चलाया, यानी पिस्टन मूव किया ऊपर, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, जब प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम बढ़ा, मतलब प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम बढ़ा, तो ये P2 हो गया और ये V2 हो गया, ये V2 हो गया। यहां पे ये अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम अभी आगे बताता हूं, थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम यानी थर्मोडायनेमिक की एनालिसिस जब करते हैं तब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम है, अगर वहां अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, अगर वहां कोई अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो केमिकल इक्विलिब्रियम है। तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहां से जब ये यहां था तो पिस्टन यहां था, वेट हटाया, पिस्टन तेजी से मूव किया, जब पिस्टन तेजी से मूव किया, तेजी से मूव किया तो पिस्टन और वाल के बीच में कुछ फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, अगर टेम्परेचर डिफरेंस हुआ इनके इनके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इसका मतलब यह हो गया कि यह इक्विलिब्रियम से नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे चला गया। वन पे था तो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जब ये वन से यहां जा रहा है तो ये बीच की जो स्टेज है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो गई, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस आया, क्योंकि पिस्टन मूव करेगा तो फ्रिक्शन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला गया।
कुछ वो सराउंडिंग में जाएगा यानी टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। अब जब यहां पहुंचा तो फिर से स्टेट टू पर जब पहुंच गया तो फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ गया, जो उसको ट्रांसफर करना था कर दिया यहां पे इक्विलिब्रियम। लेकिन जो इंटरमीडिएट की कंडीशन है वो नॉन इक्विलिब्रियम में है। अगर वो नॉन इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब हुआ कि वो जो है वो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक, क्वासी का मतलब मैंने कहा ऑलमोस्ट रेस्ट। अब बीच की पॉइंट जो है उनको रेस्ट में होना चाहिए, उनको उनको भी इक्विलिब्रियम में हो तब तो वो प्रोसेस है, तब तो वो प्रोसेस है यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। इसीलिए यहां पे लिखा गया है, देखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज वन इन व्हिच द सिस्टम पास थ्रू सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन इट गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो अगर आपने इसको मान लिया था, इसको मान लिया था कि यहां पर आपने इकट्ठा वेट को हटा दिया तो फिर इनके बीच में फ्रिक्शन आया, टेम्परेचर आया, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रह गया। यहां से ये थर्मल में था, ये था, बट बीच की जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह गई। अगर बीच की स्टेट इक्विलिब्रियम में नहीं रह गई तो इसका मतलब हुआ कि वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं रह गया। अब इसको क्वासी स्टैटिक बनाए कैसे, क्योंकि बीच के जो स्टेट हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह गई, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह गई क्योंकि फ्रिक्शन भी आया, टेम्परेचर भी आया यानी चेंज हुआ, सराउंडिंग के साथ उसका अलग टेम्परेचर हो गया। अभी इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल दिया गया ये नॉन क्वासी स्टैटिक है, क्वासी स्टैटिक नहीं है। क्वासी स्टैटिक बनाए कैसे, अगर यही वेट मैं इतना स्लो मैनर में चलाऊं, इतना स्लो मैनर में चलाऊं कि इसमें कोई टेम्परेचर ना डेवलप हो, मुझको पता ही ना चले कि पिस्टन मूव कर रहा है, तो टेम्परेचर नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। और जब ऐसा होगा तो जो इंटरमीडिएट स्टेट होंगी वो भी इक्विलिब्रियम में होंगी, वो भी इक्विलिब्रियम में होंगी। अगर ऐसी बात करते हो, ऐसी बात करते हो, जरा देखिए ये मेरे पास, मैंने ये वेट हटाया था, इकट्ठा चला गया था, तो बीच के जो हैं वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गए। अगर वो नॉन इक्विलिब्रियम में हो गए बीच के पॉइंट्स, तो वो नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। अब मैंने यहां ये वेट रख दिया, स्मॉल वेट, एक इकट्ठा वेट नहीं रखा, बहुत छोटा छोटा वेट करके रख दिया। इसकी जगह आप कह सकते हो मैंने क्या किया, जितना वेट यहां डब्ल्यू था उतने ही वेट का मैंने यहां पे सैंड पार्टिकल रख दिया, यानी यहां पे मिट्टी का ढेर रख दिया, सैंड पार्टिकल रख दिया, बालू रख दिया। वेट तो सेम है और बालू रखने के बाद अब ये स्टेट वन पे है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बालू रखने के बाद मैं यहीं आराम से बैठ गया, बैठने के बाद क्या कर रहा हूं मैं, मेरा खेल खेलने का मन है तो मैं आराम से पिस्टन सिलेंडर लिया, उसके ऊपर बालू का ढेर रखा और यहीं बैठ गया आराम से। बैठने के बाद मैं उसमें से ऐसे, जैसे कहते ना ये बालू, चुटकी भर बालू लिया, ये बालू उठाया ऐसे बाहर फेंक दिया, बालू उठाया, मेरा खेलने का मन है, बैठ के मैं खेल रहा हूं जैसे बच्चे खेलते, बालू उठाया बाहर फेंक दिया, बालू उठाया बाहर फेंक दिया। जब मैं उस बालू को उठा रहा हूं तो मुझे नहीं दिख रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इसमें कुछ हो रहा क्या, मैं तो थोड़ा थोड़ा बालू उठा रहा हूं। लेकिन एक घंटे दो घंटे के बाद धीरे धीरे करके वो बालू जब मैं उठा उठा के फेंक रहा हूं तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये बालू कब खत्म होने वाली है और कब ये पिस्टन यहां से धीरे 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 यहां से चल के यहां तक पहुंच गया, मुझे नहीं पता चला।
और जब मुझे पता ही नहीं चला इसका मतलब यहां पर कोई नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आई, कोई टेम्परेचर डेवलप नहीं हुआ, कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में है ही, इसके बीच के पॉइंट्स भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे हैं। जब कोई टेम्परेचर डेवलप ना हो, कोई फ्रिक्शन ना दिखे, तो ये बीच के स्टेट भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे होंगे, और जब बीच के स्टेट भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे होंगे, तो इसलिए इसे कहा जाता है सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, सीरीज ऑफ नंबर ऑफ आपको पॉइंट मिलेंगे, और ये सब के सब इक्विलिब्रियम में होंगे, और जब ये सब के सब इक्विलिब्रियम में होंगे तो इनको सबको हम मिला देंगे, तो इनको सबको मिलाएंगे तो इसको बोला जाता है, जब हम सब इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम में हो गए तो इसको बोला जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, मैंने कहा था ना क्वासी का मतलब ऑलमोस्ट, वर्ड से समझो, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। जब मैं चुटकी चुटकी भर लेके भेज रहा हूं, फेंक रहा हूं, तो लगभग वो रेस्ट पे है, लेकिन कब वहां से वहां पहुंच गया मुझे पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये यहां से यहां गया तो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, क्योंकि इसकी इंटरमीडिएट स्टेट्स भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हैं। यहां पे क्या था, इंटरमीडिएट स्टेट जो थी वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में थी, क्योंकि पिस्टन तेजी से गया था, जब पिस्टन तेजी से गया था तो वहां पे कुछ फ्रिक्शन और टेम्परेचर डेवलप हुआ था जिसकी वजह से वो नॉन इक्विलिब्रियम में चला गया था। अगर वो नॉन इक्विलिब्रियम में चला गया तो वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं रह गया। इसका मतलब हुआ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अगर है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मिलेगा, वो वेरी स्लो मैनर में होगा, ऑलमोस्ट रेस्ट पे होगा, ऑलमोस्ट रेस्ट पे होगा, उसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रहेंगे कहेंगे। बीच की जितनी भी स्टेट्स होंगी वो सब की सब क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी, इसीलिए कहा जाता है सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। यहां पे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स बीच में है, ये और ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन बीच वाली नॉन इक्विलिब्रियम में स्टेट पे है, इसलिए इसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं कह सकते हैं। इसीलिए ये इररिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। जो इररिवर्सिबल प्रोसेस है वो हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाए जाते हैं, जो रिवर्सिबल है वो आपको इस तरीके की लाइन से दिखाए जाएंगे। अभी आगे आएगा रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। इसका मतलब यहां से यह बात तो क्लियर हो गई कि क्वासी स्टैटिक का मतलब हो गया ऑलमोस्ट रेस्ट पे है, बीच के जितने पॉइंट हैं सबके सब इक्विलिब्रियम स्टेट पे होंगे, इसलिए उनको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहा गया, इसलिए इस प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहा गया। अगर फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, यानी अगर वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रिक्शनलेस है, और क्वासी स्टैटिक फ्रिक्शनलेस ही होता है, इसीलिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। याद रखिएगा कि फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। जनरली जो भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपको समझ में आ गया, बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपको समझ में आया कि उसके सारे इंटरमीडिएट पोजीशन भी इक्विलिब्रियम में हो, उसका कोई भी टेम्परेचर डेवलप ना हो, बीच के जो पॉइंट्स हैं वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, फ्रिक्शन लेस हो, तो वो यानी फ्रिक्शन नहीं होगा तो हीट जनरेट नहीं होगी, टेम्परेचर नहीं होगा, इसलिए वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा। जो क्वासी स्टैटिक है मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब एक टर्म है जिसको बोला जाता है थर्मोडायनामिक
इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, देखिए दो दो टर्म मिलेंगे, एक को बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, दूसरे को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करे तो इसका मतलब वो कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम हैं जो तीनों सेटिस्फाई करें तभी थर्मोडायनामिक होगा, अदरवाइज अगर वो केवल टेम्परेचर की बात करे तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। थर्मोडायनामिक का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम की जब भी बात करेगा, ये देखिए देखिए इक्विलिब्रियम मींस इक्वलिटी, इक्विलिब्रियम मींस इक्वलिटी, इक्विलिब्रियम मींस इक्वलिटी। देखिए इक्विलिब्रियम मींस इक्वलिटी इन द वैल्यू ऑफ एनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। किसी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में इक्वलिटी हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। जब आप सिस्टम, विथ इन द सिस्टम भी हो सकता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच भी हो सकता है, जब थर्मोडायनामिक जितनी प्रॉपर्टी हैं अगर उनके बीच में इक्वलिटी हो सिस्टम के अंदर भी सिस्टम और सराउंडिंग के साथ भी, तो उसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तीन चीजें हो सकती हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है इन इक्विलिब्रियम मैकेनिकल में हो, थर्मल में हो और केमिकल में हो। तीन चीजें, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। जब मैकेनिकल की बात करें मतलब कोई भी अनबैलेंस फोर्स यानी प्रेशर ना हो, कोई अनबैलेंस फोर्स अगर हुआ, कोई भी अनबैलेंस फोर्स हुआ तो इसका मतलब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। कहते ना देखो कितना बैलेंस अच्छा है, बैलेंस अच्छा होने का मतलब उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, अभी तो बैलेंस है वो, कोई अनबैलेंस प्रेशर नहीं है, तो उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहा गया। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब देयर इज नो टेंपरेचर डिफरेंस। मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसका टेंपरेचर 30 डिग्री है, इसका टेंपरेचर 40 डिग्री है, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, इसका मतलब और सिस्टम के पूरे सिस्टम हर जगह का टेंपरेचर 30 30 30 है, तो सिस्टम अपने अंदर तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है लेकिन सराउंडिंग के साथ नॉन इक्विलिब्रियम में है। ये सराउंडिंग के साथ तब इक्विलिब्रियम में होगा जब दोनों इंटरैक्ट करेंगे, जब दोनों इंटरैक्ट करेंगे तो कुछ मोड ऑफ ट्रांसफर होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से मोड ऑफ ट्रांसफर होगा और वो ट्रांसफर करेगा एनर्जी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, दोनों के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जब दोनों के टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अगर केमिकल कहता है इसका मतलब सिस्टम के अंदर जो भी भरा हुआ है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, केमिकल रिएक्शन होगा तो फिर वो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं होने चाहिए। तो थर्मल का मतलब इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर की बात करेगा, मैकेनिकल का मतलब इक्वलिटी ऑफ फोर्स और प्रेशर की बात करेगा एंड केमिकल का मतलब इक्वलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेगा और केमिकल पोटेंशियल की बात करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब तीनों को मिला दिया जाता है, इन तीनों को अगर ये तीनों हैं तो उसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अगर सिर्फ टेम्परेचर की बात करेगा तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर तीनों की बात करते हैं तो हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, अगर सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है देखिए अगर ये है विथ इन द सिस्टम, विथ इन द सिस्टम, विथ इन द सिस्टम का मतलब इस सिस्टम के अंदर यहां का टेम्परेचर 20 डिग्री है,
यहां का टेम्परेचर 30 डिग्री है, यहां का टेम्परेचर 35 है, यहां का टेम्परेचर 40 है, यहां का टेम्परेचर 42 है। यानी ये सिस्टम अपने अंदर ही थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, अपने अंदर ही थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। आफ्टर सम टाइम ये एक दूसरे से इंटरैक्ट होंगे, हीट का ट्रांसफर करेंगे, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 32 अगर हो गया तो इसका मतलब यह सिस्टम विथ इन इक्विलिब्रियम हो गया, सिस्टम अपने आप के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। तो विथ इन द सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यह होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपने हॉट कॉफी की बात किया, हॉट कॉफी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। दोनों, ये सिस्टम हो गया, ये सराउंडिंग हो गया, दोनों, ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, इसका मतलब इनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मोड क्या होगा, हीट होगा। दो ही मोड होते हैं, या तो हीट का ट्रांसफर या तो वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर। जहां टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वहां हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब मोड ऑफ ट्रांसफर हीट होगा, इस कॉफी से हीट का ट्रांसफर होगा सराउंडिंग में, तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, कुछ भी टेम्परेचर मान सकते हैं। यानी यह हीट का ट्रांसफर करेगा, दोनों का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री हो गया, यह सिस्टम है इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, यह सराउंडिंग है इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों किसमें हो गए, सिस्टम और सराउंडिंग इन थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, इन थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। बात समझ में आ गई। इसका मतलब यह थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर मैकेनिकल की बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया ये सिस्टम वन था, अभी इस कंडीशन पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इस कंडीशन में कोई अनबैलेंस फोर्स, हमने वेट रख रखा है, जितना नीचे से गैस प्रेशर लगा रही है, जितना ये नीचे से प्रेशर लगा रही है उतना ये वेट ऊपर से रख दिया है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, नो अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब दिस सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दिस सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जैसे ही मैंने वेट को हटाया, ऊपर का फोर्स कम हुआ, नीचे का प्रेशर ज्यादा हुआ, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ, मतलब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रह गया। इसका मतलब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रह गया। ये देखिए, व्हेन वेट इज रिमूव्ड पिस्टन राइज अप एक्सीलरेट अंटिल इक्विलिब्रियम इज अगेन, जब यहां पहुंचा तो फिर से इक्विलिब्रियम में हो गया, क्योंकि ऊपर फिर से वेट लग गए। अब फिर से जब वेट लग गए तो दोनों का फोर्स बराबर हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गया। वन और टू दोनों इक्विलिब्रियम में हो गए। इसका मतलब यहां पे बीच में इक्विलिब्रियम में नहीं था, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद ये इक्विलिब्रियम में हो गया, तो बीच में जो कंडीशन आई उसको हम नॉन इक्विलिब्रियम बोल दिए कि वो नॉन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, अगर नहीं है तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, मैंने अभी बताया आपको सेपरेटली इस तरीके से है। ये देखिए, दोनों को एक साथ मिला दो, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेगा, हो चुका है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो इसका मतलब वो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इन सबको मिला करके थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। व्हेन ए सिस्टम इज इन स्टेट ऑफ मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली, देन द सिस्टम इज कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, देन द सिस्टम इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट्स बता चुका हूं आपको, प्रोसेस बता चुका हूं आपको, कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हमने देख लिया है। ठीक है, और डिटेल में इन प्रोसेस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, कब, जब हीट और वर्क पढ़ाऊंगा, वहां एकदम डिटेल से एक एक प्रोसेस को कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी प्रोसेस के लिए। क्वासिस्टेटिक मैंने बता दिया, एक से दो में जाएगा तब तक
टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको क्वासी स्टैटिक यानी बीच में रिवर्सिबल तभी होगा जब कोई अनबैलेंस रीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स होगा, इसलिए उसको कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल्स? अगर आप साइकिल्स की बात करते हैं, साइकिल क्या है, साइकिल क्या है, अगर आप साइकिल की बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करते हैं, तो कहने का अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका स्टेट वन है, ये आपका स्टेट टू है। आप यहां से यहां तक आए थे, वन से टू चले थे, दिस इज द किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, दिस इज द प्रोसेस वन। वापस वन पे पहुंच गए, दिस इज द स्टेट टू, दिस इज द प्रोसेस टू। कहने का मतलब हुआ कि फाइनली जहां थे वहीं पहुंच गए, इनिशियल कंडीशन उसकी वन पे थी, फाइनल भी वन पे आ गई। जब इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस दोनों सेम हो जाएं, देन हम उसको क्या कहते हैं, तब उसको कहा जाता है इट इज ए थर्मोडायनामिक साइकिल। व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम, देन इट इज ए थर्मोडायनामिक साइकिल। देखिए यहां पे, ये देखिए यहां पे, देखिए वन से चला, वन से टू पे गया, टू से थ्री पे गया, थ्री से वन पे आया, फाइनली यहीं पे आ गया। तो जो प्रेशर पहले था वही प्रेशर बाद में है, जो वॉल्यूम पहले था वही प्रेशर वही वॉल्यूम बाद में है, इसका मतलब इट इज थर्मोडायनेमिक साइकिल। यहां पे देखिए वन पे, यहां से वन से टू पे गया, टू से वन पे आया, इसको भी थर्मोडायनेमिक साइकिल कहेंगे। वन से टू पे गया, टू से थ्री पे गया, थ्री से वापस वन पे चला आया, इसे भी थर्मोडायनेमिक साइकिल कहेंगे। यहां पे देखिए वन से टू पे गया, टू से थ्री पे गया, थ्री से फोर पे गया, फोर से फाइव पे गया, फाइव से फिर वन पर आ गया, कहीं भी घूम के आया, आया वन पे ही। और जब इस पॉइंट पे पहुंच गया तो कहां कहां से आया कोई मतलब नहीं है, प्रेशर पी वन ही रहेगा, वॉल्यूम वी वन ही रहेगा, यानी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम हो गई, इनिशियल और फाइनल प्रॉपर्टी सेम हो गई, इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिक साइकिल हो गया। इसीलिए मैं करने कहा था इन द साइक्लिक इंटीग्रल, चेंज इन प्रॉपर्टी इज इक्वल टू जीरो, इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको क्या कहा गया, इट इज ए थर्मो डायनामिक साइकिल। ठीक है, तो थर्मो डायनामिक साइकिल इज द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बाय व्हिच ए सिस्टम टू रीच इट्स ओरिजिनल आर इनिशियल स्टेट, अब उस साइकिल को कोई भी साइकिल अगर आपको बनाना है तो कम से कम कितने प्रोसेस, भाई मैंने कहा कि आप यहां थे, यहां से यहां चले आए वन से टू पे, अब आपको यहां फिर से जाना है तो आप फॉलो करते हुए जा सकते हैं और सीधे यहां से यहां भी पहुंच सकते हैं। इसका एक प्रोसेस ये हुआ, दूसरा प्रोसेस ये हुआ। इसका मतलब अगर आपको इस साइकिल बनाना है तो एक साइकिल बनाने के लिए कम से कम कितने प्रोसेस चाहिए सर, दो प्रोसेस चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस फॉर ए साइकिल आर टू, उससे कम में कभी भी कोई साइकिल नहीं बन सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस फॉर ए साइकिल आर टू, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा होंगे दैट इज द अलग बात। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस फॉर ए साइकिल कितने होंगे, दो होंगे, याद रखिएगा। साइकिल इसको कहा जाता है साइक्लिक इंटीग्रल, आल्सो कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें वैल्यू चेंज इन प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होती है, जीरो होती है। इसको याद रखिएगा, दो चीजें किसी भी एक, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कितने होंगे, दो, एक साइकिल जब होगा तो चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगा, जीरो होगा, इसको साइकिल कहा जाता है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल क्या होता है वो सब देखेंगे,
यहां पे हमने देखा साइकिल क्या होता है, कैसे एक साइकिल में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस चाहिए, एक साइकिल होगा साइक्लिक प्रोसेस होगा तो चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगा, जीरो होगा, चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी जो आज मैंने समझाया है आपको। घर पे एक बार इसको ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर देखिएगा कि आपको समझ में बातें आई कि नहीं आई। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।